हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स. सो वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू दिस स्टैटिक जी लेक्चर सीरीज इन विच वी डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स अंडर स्टैटिक जनरल अवेयरनेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीए ग्रेड बी 2020, सेबी ग्रेड ए 2020, phase 1, okay, and NABARD grade A 2021 phase 1, because static GA is particularly asked in phase 1 and all these topics are going to be very much important. So let me see if students have joined in. I can see Bishal, Nitesh, Priya. So very good evening guys, how are you? Please let me know that you have joined in the session. Everything is fine as far as video, audio are concerned, and we can begin our lecture. Theek hai? I'll be waiting for you to write. Come on guys. ठीक है, विशाल, अंजू, योगेश, प्रीतेश, तो एवरीवन इज हियर, दैट्स ग्रेट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर गुड, ऑल्सो डूइंग रियली वेल. आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सेबी ग्रेड ए 2020 की अभी देर इज़ नो एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बट वी आर एक्सपेक्टिंग एग्जाम टू टेक प्लेस समवेयर इन सेप्टेम्बर और इवन अक्टूबर. ठीक है, कमिंग टू NABARD गाइस, फेज वन ऑफ NABARD हैड टेकन प्लेस. नाउ फेज टू नोटिफिकेशन हैज़ बीन आउट बाय NABARD. दे से एग्जाम इज टू टेंटेटिवली टेक प्लेस इन सेप्टेम्बर. तो पुल अप योर सॉक्स दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग एंड टेल योर फ्रेंड्स इफ एनी ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD ग्रेड ए 2020 एंड फॉर यू ऑल्सो. दिस इज द इन्फॉर्मेशन, NABARD 50 कूपन कोड हैज़ बीन रिलीज बाई आस. यू कैन यूज दिस कोड एंड वेल 50% ऑफ ऑन आर NABARD ग्रेड ए 2020 कोर्सेज. ठीक है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. चलो, तो बिफोर गोइंग ऑन टू जम्पिंग टू क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दिस लेक्चर इज बींग टेकन फ्रॉम माई होम. Although I've tried to find a place where there's no disturbance, but if there's kind of disturbance or some internet issues, please bear with me, try to cooperate. ठीक है, चलो. तो airports is the topic of the day. This lecture was already available, like the session was live, so you could see the topic of the day, है ना. Airports is the topic. Question one from the topic is Damdam Airport is located in which of the following states. So this is a typical question, usually one or two questions in any exam can be asked from this particular area of airports. Let's see, let's try to cover these things. Damdam is in West Bengal, Chhattisgarh, Odisha, Manipur or Assam. अच्छा, आई एम गेटिंग कुछ ना क्वेश्चंस इन बिटवीन. तो गाइज, आई विल डिस्कस ऑल दी क्वेश्चंस आफ्टर द लेक्चर. ठीक है, अभी लेट्स कम टू दीज क्वेश्चंस. Very nice, all of you are going with West Bengal. That's right, West Bengal is the answer. So Damdam Airport is located in West Bengal. It is officially, Damdam Airport is officially called as Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. ठीक है, तो Subhash Chandra Bose ji was from West Bengal only. So this Damdam Airport is in Kolkata, West Bengal. तो Damdam Airport and Netaji Subhash Chandra Bose Airport are the same ones. ठीक है, and this is an international airport. Kolkata में है. तो फ्यू एयरपोर्ट्स इन वेस्ट बंगाल आई हैव ब्रॉट फॉर यू. वेरी फर्स्ट इज नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, विच इज़ दमदम एयरपोर्ट. सेकेंड इज बागडोगरा एयरपोर्ट, इट इज़ इन सिलीगुड़ी. ऑल्दो इट वुड बी एनफ इफ यू नो वेयर आर दीज एयरपोर्ट. सो बागडोगरा इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल. काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, दिस इज ऑल्सो अ फेमस एयरपोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. देन मालदा एयरपोर्ट, दिस अगेन is important. Finally, Kuch Bihar Airport. So these are the most important airports of West Bengal. Bagdogra, Kazi Nazrul, Malda, Kuch Bihar and Netaji Subhash Chandra. ठीक है, तो see this picture I've tried to bring from airport of Kolkata only. This is written in Bengali, I think.
क्वेश्चन टू पे चलते हैं. पैक्योंग एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. गाइज इस क्वेश्चन के आगे सी व्हाट इज रिटन. आरबीए ग्रेड बी 2019. सो इन फेज वन ऑफ आरबीए ग्रेड बी 2019 दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बिकॉज सम ऑफ यू आस्क मी दैट व्हाट आर द प्रीवियस क्वेश्चन. सो आई ट्राई टू ब्रिंग सच क्वेश्चन इन द लेक्चर इटसेल्फ. तो दिस यू सी द लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट वॉज आस्ड. वेर इज इट? पैक्योंग एयरपोर्ट इन आर बी आई. सो दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड एंड सबी एंड आर बी आई, राइट? लेट्स सी. असम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. तो टू का डी ऑप्शन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर चूजिंग. डॉक्टर आनंद, टू का ई यू आर गोइंग विद अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. रेस्ट हैव गॉन विद, नहीं कन्फ्यूजन है इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. आई कैन सी बिप्लव हैज चोजन ई. आशा गोज विद डी. अभिलाषा गोज विद सिक्किम. तो गाइज पैक्योंग एयरपोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. पैक्योंग इज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. एंड गाइज लेट मी टेल यू दिस वॉज इन न्यूज ऑल्सो. इट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम एंड इन द ईयर 2018 इट बिकेम ऑपरेशनल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम. अर्लियर देर वॉज नो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सिक्किम. सो दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड दैट वॉज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो ऑफ 2019. ठीक है. तो इन करंट अफेयर्स वी ट्राई टू कवर मंडे वाला लेक्चर में टू कवर ऑल दीज थिंग्स करंट अफेयर्स वाली, बट स्टिल स्टैटिक थिंग्स ऑल्सो यू मस्ट नो. क्वेश्चन थ्री. एज पर द रीसेंट अप्रूवल जून 2020 गिवन बाय द कैबिनेट, कुशीनगर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो यस, कुशीनगर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड. इट्स अ प्रपोज्ड एयरपोर्ट एंड नाउ द कैबिनेट अप्रूवल हैज बीन गिवन टू इट. ठीक है. तो टेल मी वेयर इज इट गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और नन ऑफ द अबव. तो आई एम गेटिंग an additional information from you students that Pakyong is the 100th operational airport of India. So that is the information given to me by Nitesh has mentioned this, Virendra and dono Nitesh is writing again and again. Okay, so two students are telling me this. So guys, check this once, okay, if that's true. And anyhow, where is it located? That I have told you. Haan ji, easy hai. तो सम ऑफ़ यू आर चूजिंग बिहार एंड सम ऑफ़ यू आर गोइंग विद उत्तर प्रदेश, है ना? तो गाइज मुझे पता था, आई न्यू दैट दिस वुड बी द कन्फ्यूजन, बिहार या यूपी. तो यूपी इज़ द आंसर, नॉट बिहार. कुशीनगर एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी सिचुएटेड, इज़ गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड अपार्ट फ्रॉम कुशीनगर आई हैव ब्रॉट फ्यू इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स. Very first is Chaudhary Charan Singh International Airport. This is in the state of UP. Very important. Guys, the airports which are on the name of important personalities, they are very much important. ठीक है. Chaudhary Charan Singh Ji Airport is in UP. Lal Bahadur Shastri Airport is also in UP. B.R. Ambedkar Airport, UP. Taj International Airport, UP. And Bamroli Airport is also in UP. So these are the most important airports in the state of उत्तर प्रदेश. ठीक है, चलें फिर आगे. इज दिस क्लियर? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, बी आर अम्बेडकर, ऑल दीज थ्री एयरपोर्ट्स आर इन द स्टेट ऑफ यूपी. ताज इंटरनेशनल एंड बमरोली ऑल्सो. क्वेश्चन फोर, उत्तर प्रदेश स्टेट अगेन इन न्यूज. तो क्वेश्चन इज अबाउट अ वेरी फेमस एयरपोर्ट, प्रपोज्ड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट. जेवर एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट इज सिचुएटेड इन डैश. तो सी, जेवर इज इन न्यूज अलॉट. ठीक है. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय ज्यूरिक एयरपोर्ट. Agreement has been signed and the responsibility has been given to Zurich Airport for the development of this greenfield airport of Jewar. ठीक है. Greenfield means it is going to be built from the scratch. अभी इट इज़ इन यूपी, दिस वी ऑल नो, बट विच प्लेस इन यूपी? लखनऊ, अलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और ग्रेटर नोएडा. वेरी नाइस. हर्षनिधि, वीरेंद्र, निखिल, पंकज, विशाल, आशा, सौरभ, राकेश, ऑल ऑफ यू आर चूजिंग ग्रेटर नोएडा एज द आंसर.
दैट्स राइट, ग्रेटर नोएडा इज़ द आंसर. गौतम बुद्ध नगर कैन ऑल्सो बी देयर. ठीक है, तो ज्यूरिख एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द टेंडर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेवर एयरपोर्ट इन ग्रेटर नोएडा. ठीक है, दिस इज़ क्लियर राइट? इम्पॉर्टेंट है गाइज ये भी. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो यस, देयर इज वन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार. विच इज देम? विच इज वन ऑफ देम? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नन ऑफ द अबव. ठीक है सौम्या, आई विल चेक दैट बी आर अम्बेडकर वाली चीज एंड आई विल मेंशन इन द कमेंट इन द वीडियो बिलो इफ द चेंजेस टू बी मेड. ठीक है, आई हैव चेक फ्रॉम द सोर्सेज एंड फ्रॉम माई इन्फॉर्मेशन इट केम अप एज दैट, बट डू नॉट वरी अबाउट इट. चलो देखें इसका आंसर व्हाट इज इट गाइज. चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट वी हैव जस्ट नाउ कवर्ड इन आर प्रीवियस क्वेश्चन, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, तो दैट कैन नॉट बी द आंसर. सी को हटा दो. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सच अ फेमस एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली है ना, T3 के नाम से कितना फेमस हुआ था, तो डी कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड. तो इधर इट विल बी राजीव गांधी और वीर सावरकर. वेरी नाइस, आई एम ग्लैड टू सी दैट एवरी वन हैज मैंशनड वीर सावरकर. दैट्स राइट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन पोर्ट ब्लेयर विच इज़ इन अंडमान निकोबार. तो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार है ना, वीर सावरकर जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज देयर. नहीं, इट्स नॉट दिल्ली, दिल्ली हैज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नॉट एट ऑल गाइज. तो लेट मी टेल यू वेर आर डिफरेंट एयरपोर्ट्स लोकेटेड. तो PDF यू कैन अवेल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से. वीर सावरकर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन तेलंगाना. चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन उत्तर प्रदेश, दैट्स आई हैव टोल्ड यू. इंदिरा गांधी वाला एयरपोर्ट इज़ इन दिल्ली. वेरी नाइस, इट्स इन हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, ठीक है, तो अभी तो हैदराबाद इज़ द जॉइंट कैपिटल है ना तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की. क्वेश्चन सिक्स पे लेट्स मूव. Identify the incorrectly matched pair of airports and their locations. तो below are the airports and their locations. You have to identify the incorrect one. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड, राजा मुंदरी एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश, बीजू पटनायक एयरपोर्ट ओडिशा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट महाराष्ट्र और none of the above. तो that means if you choose option E, you are going to choose that all the four are correct and none of them is incorrect. ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द आंसर. बीजू पटनायक इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी है ना, वॉज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम हेलिंग फ्रॉम उड़ीसा. तो सी तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं होने वाला है. बिरसा मुंडा अगेन, ही वॉज अ वेरी फेमस ट्राइबल लीडर ब्रिटिशर्स के टाइम पे. तो ही इज फ्रॉम झारखंड. ए बी करेक्ट है. तो इधर आंसर इज बी और डी, दैट मीन्स इधर बी इज इनकरेक्ट और डी इज इनकरेक्ट. Some of you are choosing E as the answer and some of you are going with D. तो guys, राजामुंद्री एयरपोर्ट इज़ इन आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है. राजीव गांधी जैसे अभी हमने पढ़ा हैदराबाद में है, तो V से इट इज़ इन तेलंगाना. राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इज़ नॉट इन महाराष्ट्र guys, इट इज़ इन राजस्थान. सो उदयपुर बेसिकली इज़ द प्लेस. उदयपुर हैज़ दिस महाराणा प्रताप एयरपोर्ट एंड इट इज़ नॉट इन महाराष्ट्र. ठीक है, वेरी नाइस, महाराणा प्रताप इन राजस्थान. ठीक है, आई कैन सी आंसर्स वर मोस्टली करेक्ट, तो यू वर अवेयर अबाउट दिस. ओके, दिस इज अगेन वेरी इजी. कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो कैंपेगौड़ा इज अ वेरी फेमस एयरपोर्ट, जस्ट लाइक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कैंपेगौड़ा इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, रीजन वाई आई विल टेल यू. लेट्स सी फर्स्ट इफ यू नो दिस आंसर. तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. सौरभ से इज ऑप्शन बी, अनंत इज गोइंग विद बी, शैंकी बी, आशा इज गोइंग विद बी. ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू टेक द नेम ऑफ ऑल ऑफ यू
Anju, Anindya, Dr. D. Anand, Charan Singh, Soumya, everyone has chosen option B. That's great, that's right. Kempegowda International Airport is located in Karnataka. And briefly, the place, the city is Bengaluru. Yes, the electronics city of India, electronic city of India is Bengaluru. And there, this Kempegowda Airport is located. And now you understand why is it the most busy, one of the most busiest airports, because of the population. So many people, and it is an internationally connected airport. And it is, Bengaluru is itself the hub of IT companies, IT majors. So that is the answer. ठीक है? अच्छा, I'll tell you one fact also which is related to current affairs for this Kempegowda International Airport, so that you remember your current affairs also. Although I take your class every Monday, you can join me at 5 PM there. But still, guys, Kempegowda International Airport has been in the month of May has been voted by customers as the best regional airport in India and also in Central Asia. So in India as well as Central Asia, it's the best regional airport, and this has been done for third time consecutively. World Airport 2020 Awards have said that again for the third time, it's a hat-trick by Kempegowda Airport. They are the this is the best regional airport located in Bengaluru. So some of you are saying that green Silicon Valley. Yes, that's right. Bengaluru is called as Silicon Valley. And what else is the name or nickname of Bengaluru? We discussed earlier in our class of nicknames. Bengaluru has other names also. Please tell me. Silicon Valley, Tekken, Electronic City, I have only mentioned. What else? Any other name? I'll give you a hint. It is related to ISRO. Since the headquarter of ISRO is located there. Come on, guys. Very nice. Anant, Garden City is also true. So, Garden City, Electronic City, Silicon Valley of India. These are the names of Bengaluru. And one more name is there. Dhumal Priya, Nidish, Charan Singh. Nidish, tell me, we have covered this in your SEBI phase 1 wala class also. Very nice. Nitesh and Nidish have told me the answer. Anant, Sushant, Durga Prasad, Soumya, Yogesh. Very nice, guys. Space City, yes. Bengaluru is also called as the Space City of India because the headquarter of ISRO is located in Bengaluru. Garden City, Green City nahi, Garden City it is called as. Theek hai? And Silicon Valley of India and Electronic City, colloquially it is called as, but anyhow, there is a place, Electronic City, in Bengaluru, jahan pe all the IT hubs are located. Theek hai? Chalo, question 8. Lokpriya Gopinath Bardoli International Airport is situated in. तो गोपीनाथ बरदोली जी, बरदोली सत्याग्रह इज वेरी फेमस है ना. तो दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर EPFO लाइक और UPSC एग्जामिनेशंस, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. तो बताओ फिर, गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वेयर. कोमल, प्लीज अपना क्वेश्चन आफ्टर 10 क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद लेके आना. आई विल टेक योर क्वेरीज. तो आई कैन सी पीपल आर चूजिंग गुवाहाटी. अच्छा, आसाम बेसिकली यू मीन. देन सम ऑफ यू आर चूजिंग गुजरात ऑल्सो एज द आंसर. द वन हु इज स्किपिंग, डू नॉट वरी, विल टेल यू द आंसर. तो ऑल इन ऑल यू आर कन्फ्यूज बिटवीन गुजरात या असम. राइटली कन्फ्यूजन इज देयर, राइट कन्फ्यूजन इज देयर, क्योंकि गुजरात है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है ना. तो दैट इज़ वेयर यू कन्फ्यूज प्रोबेबली. तो बी इज द राइट आंसर गाइज, असम. अच्छा, ई लिखा नहीं, बी, आई कैरेक्ट इट. तो बी, असम. गुवाहाटी हैज़ दिस लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वेरी नाइस. ठीक है, नहीं, गुजरात इज नॉट द आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है उधर अहमदाबाद में. क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. यस, लेट्स सी इफ यू नो दिस आंसर. देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बोथ ए एंड बी, देवी अहिल्याबाई होलकर एंड राजा भोज, बोथ आर देयर इन मध्य प्रदेश, और राजा भोज एंड गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर इन मध्य प्रदेश. कम ऑन गाइस, आई विल ड्रॉप अ हिंट.
two airports are there in Madhya Pradesh which are very famous. So only one, मतलब only B, only B, only A, only B, only C cannot be the answer. So either it is D or E. Most of you have chosen D, that is A and B. Bishal, Anand, Sushant. अच्छा नहीं guys, those of you who are choosing only A या only B, that is not true, that I have already told. या तो D होगा और E, two airports are definitely there. तो answer to the question is option D. Yes, Devi Ahilyabai Holkar International Airport and Raja Bhoj Airport both are located in the state of Madhya Pradesh. ठीक है, please remember this, important airports these are. Devi Ahilyabai Holkar International Airport is in the state of is in the city Indore. ठीक है, राजा भोजी वाला है भोपाल में, तो भोज भोपाल इनको relate कर लेना if you can, that is in भोपाल, and Ahilyabai Holkar Indore. And Guru Ramdas Ji International Airport is located in Amritsar, which is in Punjab. Very nice. This is right. So Amritsar hai. What is the nickname of Amritsar, guys? We have covered it, right? In the nicknames wala class. Guru Ramdas Ji International Airport located in Punjab, and the city is Amritsar, which is commonly called as, or the nickname of Amritsar is. It's very easy, come on. Very nice, Golden City. ठीक है, बिल्कुल. Golden Temple is there in Amritsar. So that is what is called as Golden City. Last question of the lecture. Which of the following airports is located in Srinagar? ठीक है, Jolly Grant Airport, Kushak Bakula Rimpoche Airport, Sheikh Ul Alam International Airport, both B and C are in Srinagar, or do you think A, B and C, all three are in Srinagar? This is the last question, guys. Come on, and it's easy. Jolly Grant Airport is a very famous airport of Uttarakhand. It is in Dehradun. ठीक है, तो that is why this you can eliminate. Jolly Grant is a famous airport. Now, is it B, C, or both are in Srinagar? Let me see. I am getting a mix of answers. C and D. C and D, so everyone. So if I go with the majority of votes, it will be a 50-50 thing, है ना? Jolly Grant is in Dehradun, that's right, that I've told, it's in Uttarakhand. So answer to this question is Sheikh Ul Alam International Airport. Kushok Bakula Rimpoche Airport is in Leh, ठीक है? So these are the airports mentioned, Jolly Grant in Dehradun, Kushak Bakula, Leh, Sheikh Ul Alam, Srinagar. So these are the important airports. And guys, guess one last question from current affairs. Recently, capital Uttarakhand said that they are going to have a different capital. Now they will have two capitals. One will be Dehradun, other will be, what will be the other capital of Dehradun, Uttarakhand. Please tell me that I've discussed. Come on, guys. I want all of you to answer this. This is fine. ठीक है, हो गया. Now tell me. Nainital, no. Those of you who are not attending current affairs class, please, I will welcome you there Monday, every Monday 5 PM. So Uttarakhand has announced that Garsen would be the summer capital, not winter. Summer capital hoga idhar ka, theek hai? Winter is Dehradun. Garsen, yes. Theek hai? Great, summer capital, not winter. I have seen, who was this? Virendra, nahi, summer capital. Please remember this. This can again let you do the question wrong.
ठीक है चलो. तो दैट्स इट, आई विल बी वाइंडिंग अप दिस क्लास. नितेश कुमार इज सेइंग जोली ग्रांट हैज बीन रीनेम्ड, आई विल हैव टू चेक दैट एंड इफ सो वील कवर दैट सम टाइम एल्स. ठीक है, तो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई एंड. आई होप यू एंजॉयड द क्लास, आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल. एंड एज आई ऑलवेज से दैट if you have any topics, although we are trying to cover almost all important topics, but if you still have any other topic in mind that you want to be covered in this class, please feel free to mention in the comment section. ठीक है, mention कर दीजिए उधर comments में जाके. And that's it. तो before winding, I would like to tell you about our results of 2018. You see, we have done so well in NABARD, SEBI, RBI, like basically EduTapians have done so well. We just try to provide the right guidance and right content. In 2019 also, brilliant results by our students. 215 plus students of EduTap have got the interview calls for this year RBI also. ठीक है, results are due अभी. तो that's it. ठीक है, हर्षा निधि, आई विल वेरीफाई दैट. ठीक है, एंड आई विल मेक द चेंज इन द PDF इफ रिक्वायर्ड. बी आर अम्बेडकर वाला है, बट डू नॉट वरी. धूमल, यस, एज पर द नोटिफिकेशन बाय NABARD, फेज टू इज टू टेक प्लेस इन सेप्टेम्बर. टेंटेटिव डेट हैज बीन गिवन, तो प्रोबेबली इट विल टेक प्लेस. यू आर वेलकम गाइज, सच सच ब्यूटिफुल कॉमेंट्स यू गाइज हैव रिटन. Nitesh, please mention in the comments because it will not be feasible for me to take the note from this chat. ठीक है, because after the lecture is over, I'll not be able to track this chat. So please mention in the comments whatever topic you have in your mind that you want me to cover in your next class. ठीक है, तो fine, there are no other queries. अच्छा, विशाल हैज अ क्वेरी, तो आई विल नॉट बी लाइक स्पेक्यूलेशंस विल नॉट बी डन. NABARD का नोटिफिकेशन आया है फेज टू टू टेक प्लेस. वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन टू बी सेबी, टू बी आउट बाय सेबी ऑल्सो. सेप्टेम्बर और अक्टूबर कैन बी द एग्जाम डेट, एंड इन दोज मंथ्स ओनली नोटिफिकेशन बाय RBI कैन कम. तो इफ एग्जाम टेक्स प्लेस, इट विल टेक प्लेस इन द एंड ऑफ ईयर. ओके, थैंक यू सो मच नितेश. शिवानी हैज अ क्वेश्चन, मैम करंट अफेयर्स में बैंक करंट अफेयर्स ही लेने हैं या अदर? नहीं, ऑफ कोर्स, व्हाई नहीं, नो, प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल अबाउट सच थिंग्स गाइस. ओनली बैंक करंट अफेयर्स नहीं, यू हैव टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स विच आर इंपॉर्टेंट. आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दो, एंड इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ आर कोर्स, तो मैगजीन इज देयर, वी आर कवरिंग सो मेनी करंट अफेयर्स देयर, रेफर देयर. सुशांत, प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट में अभी. ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, दैट आई विल टेक उधर से. सज्जन, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स. हाँ जी, कोमल बिष्ट, नो न्यूज़ ऑफ NABARD ग्रेड बी एज ऑफ नाउ. NABARD ग्रेड ए ही पहले हो जाए, देन वी विल सी, बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एज ऑफ नाउ टू NABARD ग्रेड बी टू बी आउट. थैंक यू सो मच नितेश फॉर द वंडरफुल वर्ड्स यू हैव रिटन. PFRDA नहीं, वी आर नॉट क्लासेज फॉर PFRDA, नॉट देयर. ठीक है, तो आई थिंक ऑल द क्वेरीज हैव बीन टेकन. आई विल टेक योर लीव गाइज, टेक केयर, बी वेरी केयरफुल इन दिस सिचुएशन गोइंग ऑन. द नंबर ऑफ केसेज आर लाइक स्पायरलिंग लाइक एनीथिंग, तो बी वेरी केयरफुल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मेंटली, कीप योर सेल्फ फिट. ठीक है, इन्वॉल्व इन योर हॉबीज, गेट इन्वॉल्व इन द थिंग्स विच यू लाइक, एंड मेक श्योर दैट दोज थिंग्स विच यू इंडल्ज्ड इन आर हेल्दी. ठीक है, फॉर योर माइंड एज वेल एज फॉर योर बॉडी. तो ठीक है गाइज, आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू, एंड टुमारो, यस, इज़ आर स्कीम्स क्लास. आई विल सी यू टुमारो फॉर स्कीम्स ऑफ RBI NABARD SEBI. बाय गाइज़.